नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। जातिगत जनगणना को लेकर सीएम नीतीश ने कही ये बात। बिहार में वृद्ध आश्रम के लिए नए सिरे से होगा एजेंसियों का चयन। लालू यादव ने सजा के ऐलान के साथ ही लगाया साजिश का आरोप। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए इस वैक्सीन को मिली मंजूरी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कैबिनेट मीटिंग में कुल 18 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 18 एजेंडों पर मुहर लगी। कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च 2023 तक विस्तारित की गई है। कृषि विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी और कम्युनिटी साइंस विषय में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को कृषि स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार भवन विधि 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए पटना सदर अंचल के पहाड़ी मौजा में कुल 5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण, जिस पर 5,975.75 लाख रुपए व्यय की स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार के माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में 2530 उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 75,30,42,81,000 की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी मुहर लगी है, जिसमें शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 22.5 अरब स्वीकृत किए गए हैं। नमे समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 22,56,21,15,721 रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार में आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। बिहार में बीते दिन कई आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है, जिसके तहत ही 1991 बैच के आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया प्रधान सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं सिद्धार्थ के अलावा 1990 बैच के आईएएस अधिकारी चैतन्य प्रसाद को सामान्य विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। वहीं के पाठक को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान विभाग का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इसके अलावा 2006 बैच के आईएएस अधिकारी संदीप कुमार आर पुडल को पथ निर्माण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को छात्र और युवा कल्याण विभाग के निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे प्रभाकर शरण की। प्रभाकर शरण पहले भारतीय लैटिन अमेरिकी हीरो हैं, जो बॉलीवुड और लैटिन अमेरिकी फिल्मों में अभिनय करते हैं। प्रभाकर शरण का जन्म मोतिहारी बिहार, भारत में आज ही के दिन हुआ था और वो एक छोटे से शहर मोतिहारी बिहार से हैं। उन्होंने 18 साल पहले कोस्टारिका मध्य अमेरिका छोड़ दिया था अपनी पढ़ाई और अभिनय करियर के लिए। स्पेनिश भाषा के साथ उनका संघर्ष, उनकी दिन रात की मेहनत और भारत और भारतीय संस्कृति के लिए उनके मजबूत प्रेम ने उन्हें मध्य अमेरिका में भारत को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड फिल्मों और सामाजिक गतिविधियों को पेश करने के लिए प्रेरित किया। वो उस विश्वविद्यालय के बोर्ड सदस्य बने रहे जहां वो पढ़ाने आए थे। वो मध्य अमेरिका में हिंदी फिल्मों की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति हैं। गोदाम बनाने के लिए किसानों को 9 लाख का अनुदान देगी सरकार। बिहार में किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी किसानों की खेती को ध्यान में रखते हुए कई तरह के लाभ देती है, जिसमें कि अनुदान के रूप में राशि मुहैया करवाई जाती है। साथ ही साथ किसानों को सब्सिडी का भी लाभ दिया जाता है। ऐसे में अब सरकार किसानों को अनाज उत्पादन के साथ उसे सुरक्षित रखने के लिए कृषि विभाग की तरफ से विशेष पहल की गई है। बता दें कि अनाज भंडारण की क्षमता को लेकर सरकार 5 से 9 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। आपको ये भी बता दें कि सरकार ये राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और हरित क्रांति उप योजना के तहत देने वाली है। जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादियों की सीएम नीतीश ने सुनी फरियाद। सोमवार का दिन सीएम नीतीश के लिए काफी व्यस्त दिन रहा। पहले जनता दरबार और उसके बाद कई बैठक। वहीं सुबह सुबह बुलाए गए जनता दरबार में उन्होंने कई मुद्दों पर जनता की फरियाद सुनी, जिसके तहत ही उन्होंने अपने पास आए कई फरियादियों की फरियाद तो सुनी ही। इसी कड़ी में किसी ने रास्ते की समस्या बताई तो किसी ने जमीन पर बिना अनुमति के सड़क निर्माण की शिकायत की। सात निश्चय योजनाओं से जुड़ी शिकायतें सुन सीएम कई बार हैरान भी होते रहे। एक फरियादी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उसे नहीं दिया गया, उसकी जगह किसी अन्य को यह आवंटित कर दिया गया। लोक शिकायत निवारण कोषांग में इसकी शिकायत की तो फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। कहा जा रहा है कि राशि दूसरे को दे दी गई है, उससे वसूली के बाद लाभ मिलेगा। इतना सुनने के बाद सीएम के चेहरे पर नाराजगी उभर आई। उन्होंने मुख्य सचिव आमिर सुभानी को बुलवाया और उनसे इस मामले को देखने की मांग की।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने निकाली रिक्तियां। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पोस्ट ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी के कुल मिलाकर 100 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तय किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रासंगिक इंजीनियरिंग अनुशासन में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 28 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर सीएम नीतीश ने कही ये बात। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आए दिन इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों बयान जारी करते रहते हैं। इसी बीच जातिगत जनगणना को लेकर सीएम नीतीश ने अपनी बात कही है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद जातिगत जनगणना होने की पूरी संभावना है। हम लोग एक मत में हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार ये करना चाहती है। हमने इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई है। अगर एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी तो विकास कार्य करने में आसानी होगी। कोई चीज ऐलान करने से पहले हम चाहते हैं कि एक साथ बैठकर सभी लोगों के आइडिया पर विचार किया जाए। सभी लोगों की राय और सहमति लेकर हम इसे करना चाहते हैं। बिहार में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में ठंड का सितम देखने को मिल ही रहा है। भले ही दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा हो, लेकिन रात होते ही ठंड का आभास भी हो रहा है। इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत ही मौसम वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि राज्य में पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पछुआ हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है और 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही है, जिससे मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि बिहार में 24 फरवरी को दक्षिण पूर्व इलाके यानी जमुई, बांका, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा में मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि बारिश के बाद भी न्यूनतम तापमान में कमी नहीं होगी, बल्कि 26 फरवरी से राज्य में तापमान में तेजी से उछाल आएगा। पटना एयरपोर्ट पर विमान में आसानी से सवार होंगे मरीज और बुजुर्ग। आने वाला समय पटना एयरपोर्ट पर मरीजों और बुजुर्गों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर आने वाले दिनों में मरीजों और बुजुर्गों के लिए खास व्यवस्था होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना एयरपोर्ट को यात्री सुविधाओं के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपकरण से लैस किया जा रहा है। इसको लेकर ही एयरपोर्ट पर एम्बु लिफ्ट लाई गई है, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क होने वाली है। साथ ही गंभीर मरीज उपचार के दौरान कई तरह के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं। ऐसे में स्ट्रेचर के सहारे रैंप के जरिए मरीज को विमान में चढ़ाने और उतारने के दौरान झटका लगने का खतरा बना रहता है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि एम्बुलिफ्ट नाम के इस उपकरण के जरिए क्रिटिकल केयर के मरीजों को विमान से ले जाने में मदद दी जाएगी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सीतामढ़ी शहर से 2 किलोमीटर दूर पुनौरा से बहुत ही भव्य जानकी मंदिर है। प्राचीन काल में यहाँ पर पुंडरीक ऋषि का आश्रम था। मान्यता है कि यहाँ स्थित जानकी कुंड में ही माता सीता का जन्म हुआ। यहाँ एक पर्यटन भवन, गायत्री मंदिर, विवाह मंडप, सुंदर पार्क और म्यूजिकल फाउंटेन, झरना और फव्वारा भी है। पुनौरा सीतामढ़ी का फेवरेट पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष सीतामढ़ी महोत्सव नामक 2 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी पुनौरा धाम में ही होता है। वृद्ध आश्रम के लिए नए सिरे से होगा एजेंसियों का चयन। बिहार के सभी 38 जिलों में जल्द ही 50-50 बेड की क्षमता के 2-2 वृद्धाश्रम स्थापित करने और उसके संचालन को लेकर एजेंसी की चयन प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होने वाली है, जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय योजना के तहत सूबे के सभी जिलों में इस काम को शुरू करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर विभाग ने पहली की गई चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। पिछले साल हुई प्रक्रिया में 20 एजेंसियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 11 को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया था। एजेंसी चयन में अच्छा टर्नओवर रखने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता भी दी जाएगी। विभाग के मुताबिक वृद्धाश्रम के संचालन को इच्छुक एजेंसी 9 मार्च तक ऑनलाइन बिड जमा करा सकेंगी। इसके हार्ड कॉपी 10 मार्च तक विभाग के विशेष सचिव के पास जमा करानी होगी। इससे संबंधित पूछताछ या सुझाव 24 फरवरी तक विभाग के ईमेल आईडी udhd@bihar.gov.in पर की जा सकेगी। यहां बनेगा सर्जिकल और फार्मा पार्क। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हाल ही में फूड पार्क बनाने का ऐलान हुआ था, जिसके बाद ही अब यहां पर जल्द ही सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी मिल गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मुजफ्फरपुर वासियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की जमीन पर सर्जिकल और फार्मा पार्क खोलने की योजना है। इसके लिए उद्योग विभाग से मंजूरी मिल गई है। पार्क के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी कि बियाडा ने केंद्रीय परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े संस्थानों से संपर्क किया है। मंत्रालय और केंद्रीय संस्थाओं से मंजूरी के बाद बियाडा बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित IDPL परिसर में सर्जिकल और फार्मा पार्क खोल सकेगी। आज से सीएम नीतीश की शुरू होगी समाज सुधार यात्रा।
कोरोना की तीसरी लहर के बाद आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत ही आज वो भागलपुर से करेंगे। भागलपुर और बांका जिले की समीक्षा भी वो करेंगे। शराबबंदी, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह मुक्ति अभियान को लेकर जीविका दीदियों के साथ संवाद भी करेंगे। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री जमुई में समाज सुधार अभियान करेंगे। मुख्यमंत्री जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर जिले की समीक्षा करेंगे। इसके बाद 26 फरवरी को बेगूसराय में मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान यात्रा करेंगे और यहां बेगूसराय और खगड़िया जिले की समीक्षा करेंगे। समाज सुधार अभियान यात्रा की जनसभा में मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बिहार में पिछड़ रहे हैं बाल वैज्ञानिक। बिहार के बाल वैज्ञानिक इन दिनों पिछड़ते ही जा रहे हैं। एक समय था जब बिहार के बाल वैज्ञानिक इनोवेशन आइडिया देने, परियोजना बनाने में अव्वल माने जाते थे। कोई भी अवार्ड हो, इन सभी में बिहार के बाल वैज्ञानिक चयनित होते ही होते थे। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब बिहार में बाल वैज्ञानिकों के इनोवेशन को पेटेंट ही नहीं मिल पाता, क्योंकि वर्तमान समय में बिहार में कोई पेटेंट सेल ही नहीं है। इसी का खामियाजा अब इन नन्हे वैज्ञानिकों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे अलग अलग आइडिया पर प्रोजेक्ट तो बनाते हैं, लेकिन वो पेटेंट नहीं करवा पाते। उन्हें पेटेंट की बेसिक जानकारी नहीं होती है। इस कारण इनोवेशन करने के बाद छात्र को आगे पेटेंट करवाने की सुविधा नहीं मिलती है। रिश्वत लेते हुए धराया एक जमादार। बिहार में सरकार के नाक के नीचे क्या खेल हो रहा है, ये आज किसी से भी नहीं छुपा है। यही कारण है कि बीते कुछ दिनों की आप खबरें सुन ले या अखबार के पन्नों को पलट ले, आय से अधिक संपत्ति वाले या रिश्वत लेने वालों की लंबी फहरिस्त आपके सामने खुल जाएगी। इसी बीच एक और मामला बीते दिन सामने आया, जब विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों एक जमादार को 30,000 रूपए रिश्वत लेते पकड़ा। दरअसल ये मामला समस्तीपुर जिले का है। यहाँ पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने सराय रंजन थाना में पदस्थापित जमादार उमेश कुमार सिंह को बीते दिन सुबह सुबह ही 30,000 रूपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। आपको बता दें, जमादार उमेश सिंह के खिलाफ निगरानी मुख्यालय में पहले ही शिकायत दर्ज करवाई गई। बिहार में नौकरी पाने का है सुनहरा मौका, निकाली गई है बंपर बहाली। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए हमारी ये खबर बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि बिहार में नौकरी का एक और सुनहरा मौका सामने आया है। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत नौकरी निकाली गई है। इन पदों के लिए युवा आवेदन भर सकते हैं। ज्ञात हो, ये आवेदन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर निकाली गई है, जिसके तहत कुल मिलाकर 4,000 पदों के लिए आवेदन की मांग की गई है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ही निकाली गई है। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन पदों पर केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। किसान सलाहकारों की हो रही है अनदेखी। बिहार में किसान सलाहकारों की अनदेखी का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार कृषि निदेशालय की तरफ से किसान सलाहकारों की अनदेखी की जा रही है। इसको लेकर बिहार किसान सलाहकार संघ युवा कमेटी के द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त संकल्प में किसान सलाहकारों की सेवा 60 वर्ष के लिए स्थायी करने और अन्य अनुमान्य लाभ देने संबंधी अनुशंसा हुई है, लेकिन आज तक कृषि निदेशालय द्वारा उक्त संकल्प में की गई अनुशंसा को लागू नहीं किया गया है। इससे राज्य के सलाहकार विभाग के रवैये से नाराज और असंतुष्ट है। वहीं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित कुमार सिंह ने इस विषय पर कई बार संबंधित वरीय पदाधिकारी से मिलकर इस मुद्दे को उठाने का कार्य किया है। लागू करने संबंधित सिर्फ आश्वासन के अलावा आज तक इसे लागू नहीं किया, जिसको की खेद की बात बताई गई है। रथों को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिखाई हरी झंडी। बीते दिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटना के सौजन्य से कोविड-19 टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष 4.0, आत्मनिर्भर भारत और केंद्र सरकार की अन्य फ्लैगशिप योजनाओं के वृहद प्रचार प्रसार के साथ जागरूकता रथों को रवाना किया, जो कि उन्होंने अपने सरकारी आवास से ही किया। इस दौरान उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि कोरोना टीकाकरण इसका प्रमाण है कि अगर जन भागीदारी हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। कार्यक्रम में नाट्य मंडली द्वारा जागरूक गीत और नृत्य प्रस्तुत किया गया और कोरोना से बचाव को प्रेरित किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश का भी शुक्रिया अदा किया। लालू यादव ने सजा के ऐलान के साथ ही लगाया साजिश का आरोप। बीते दिन लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार मामले में सजा सुना दी गई, जिसके तहत पहले तो उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, वहीं 60 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया, जिसके बाद ही लालू परिवार और राजद समर्थकों में सन्नाटा देखने को मिला। हालांकि सीबीआई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही लालू प्रसाद यादव ने अब अपनी बात ट्विटर के माध्यम से कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो हरा नहीं सकते, इसलिए साजिशों से फंसाते हैं। लालू यादव ने लिखा कि अन्याय, असमानता से, तानाशाही, जुल्मी सत्ता से लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा, डालकर आंखों में आंखें, सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें।
24 सीटों पर दरखम दिखाने के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। बिहार में बिहार विधान परिषद चुनाव का आयोजन होने वाला है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जरूर कर दी है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर अहम बात कही है, जिसके तहत बीते दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बाकी उम्मीदवारों की सूची को लेकर अंतिम निर्णय जल्द होगा, बहुत जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कई सीटें ऐसी हैं जहां 10 से ज्यादा दावेदार हो गए हैं, इसी वजह से उम्मीदवारों के चयन में समस्या आ रही है। स्थानीय नेताओं से इसको लेकर बातचीत हो रही है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी अभी मणिपुर चुनाव में लगे हुए हैं, उनके आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लालू यादव को सजा सुनाए जाने पर सीएम ने ली चुटकी। बीते दिन जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई, वहीं दूसरी तरफ जनता दरबार का आयोजन करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी चुटकी ली, जिसके तहत उनसे जब मीडिया कर्मियों ने लालू यादव को मिले सजा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये आज का मामला नहीं है और न ही ये कोई पहला या अंतिम मामला है। इसमें कहना क्या है, यह तो उसी समय का आरोप है जब वो खुद मुख्यमंत्री थे। उन्हें उसके बाद ही मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और अपनी जगह अपनी पत्नी को उन्होंने सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। तब केस करने वाले लोगों में से कई लोग आज उन्हीं के साथ हैं। केस करने वाले लोग तब मेरे पास आए थे तो हमने कहा था कि ये सब काम मेरा नहीं है, आपको करना है कीजिए। केस करने के बाद जांच हुई, ट्रायल हुई और फिर सब कुछ सजा हो रही है। पिता को सजा मिलने से ही भड़के तेजस्वी। सोमवार का दिन लालू परिवार के लिए बेहद ही भारी रहा, क्योंकि डोरांडा कोषागार मामले में राजद के मुखिया को 5 साल की सजा दे दी गई। वहीं सजा की खबर आने के साथ ही तेजस्वी यादव का गुस्सा भी देखने को मिला, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान आग बबूला होते हुए कहा कि क्या देश में चारा घोटाले के अलावा कोई और स्कैम नहीं हुई है। अकेले बिहार में ही करीब 80 स्कैम हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी और एनआईए आखिर कहां है? क्या पूरे देश में एक ही स्कैम हुआ है और एक ही नेता है? सीबीआई ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को क्यों भुला दिया है? 12 से 18 साल के बच्चों के लिए इस वैक्सीन को मिली मंजूरी। कोरोना के वर्तमान माहौल के बीच देश में लगातार लोगों को कोरोना टीकाकरण के जरिए कोरोना से सुरक्षित किया जा रहा है। अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अब देश में 12 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत हो जाएगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित कोर्बेवैक्स को इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। बायोलॉजिकल ई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कोरोना के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के कोर्बेवैक्स वैक्सीन को 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के मशहूर अर्थशास्त्री जगदीश भगवती की नियुक्ति 22 फरवरी साल 1999 में कोलंबिया में भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था केंद्र के प्रमुख पद पर हुई। जापान ने भारत से मांस और अंडे सहित सभी कुक्कुट उत्पादों के आयात पर 2006 में रोक लगाई थी। युवा आलोचक और समकालीन भारतीय कला के संपादक डॉ ज्योतिष जोशी को 22 फरवरी साल 2008 में देशी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। 1920 में भारतीय सिनेमा के अभिनेता कमल कपूर का जन्म हुआ। 1922 में भारत में जन्मे प्रसिद्ध चित्रकार SH रजा का जन्म हुआ। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का 1944 में निधन हुआ। मुगल सम्राट नसरुद्दीन हुमायूं का 1556 में निधन हुआ। बीसीसीआई को ई नीलामी में 500 अरब रुपए मिलने की संभावना। आईपीएल का 15वां सीजन बेहद ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इस बार में 2 नई आईपीएल टीमें जुड़ी हैं। यही नहीं, इस बार बीसीसीआई को मुनाफा भी काफी हुआ है। इस बात का खुलासा खुद बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने किया है। उन्होंने कहा, आईपीएल के आकांक्षी मूल्यों ने सभी की अपेक्षाओं को पार कर लिया है। उन्होंने किसी भी राशि पर चर्चा करने से इनकार किया, लेकिन कहा कि जो भी राशि होगी वो लीग के विकास पर असर डालेगी। जय शाह ने कहा है कि बीसीसीआई आगामी सप्ताह की शुरुआत में 2023-27 चक्र के लिए लीग के मीडिया अधिकारों के लिए निविदाएं जारी करेगा और 2 महीने में ई नीलामी पूरी करेगा। उम्मीद है कि इससे 500 अरब रुपए मिलेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है श्वेता रॉय, प्रदीप, गौतम कुमार, दिव्यांशु कुमारी, सुगबील कलाकट, गौतम सिंह, शाहीन अहमद, महेश थाश, विजय घायल, प्रिया यादव, सिमरन सिंह, कृष्णा पासवान, श्याम कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट से जुड़ी खबरों को जानने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार लालू प्रसाद यादव को फिर से सजा सुनाए जाने के बाद राजद पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।